कर्ज तो मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल PST क्लास में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बिहार सिविल कोड की रिगार्डिंग जो अपडेट निकल के आई है, एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग, एग्जाम की रिगार्डिंग, फॉर्म करेक्शन की रिगार्डिंग जो कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग के द्वारा बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है, सर बिहार सिविल कोड का एग्जाम कब होगा, फॉर्म कलेक्शन का डेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा। दोस्तों सारे प्रश्न का आंसर इस वीडियो में लेके आ गए और बिहार सिविल कोड के रिगार्डिंग जो अपडेट निकल के आई है इस वीडियो में बताने वाले, इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी स्टूडेंट के लिए जो बिहार सिविल कोड का फॉर्म भरे हैं, परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का इंतजार कर रहे हैं, और सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिहार सिविल कोड के रिगार्डिंग जो अपडेट निकल के आई है इस वीडियो में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं, आप लोग के द्वारा बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है, सर एग्जाम कब होगा, कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, सर फॉर्म कलेक्शन का डेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पहले बताते हैं फॉर्म कलेक्शन का डेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों पहले ही बताते हैं, जो मीटिंग हुई थी तो हम वीडियो बनाकर आपको बता दिए थे मीटिंग में क्या निकल के आया, नहीं निकल के आया, एक लेटर भी जारी किया गया था विभाग की तरफ से, जो बार बार फर्जी वीडियो और फर्जी वेबसाइट के चलाया जाता है, एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया उसके रिगार्डिंग। दोस्तों बात करते हैं फॉर्म रिजेक्ट के लिए, पहले फॉर्म रिजेक्ट हुआ है 43 से 44 हज़ार फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ है, जो हमें पता है, जहाँ तक हमें पता है इतना फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। एक अप्रॉक्स मान लेते हैं 44-45 हज़ार स्टूडेंट को फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, टोटल बात करते हैं 18 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है। तो दोस्तों इतना फॉर्म, इतना मात्रा में फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि बातचीत हुई है जो हमें पता चला है, हर चीज़ पता है चला है। पहले बता दिए विभाग फॉर्म कलेक्शन का डेट से भाग रही है, क्योंकि आपको ही पता है यह कोई आयोग नहीं है, क्योंकि 4-5 लोग का एक सिर्फ कमेटी है, कमेटी बनाया जाता है बिहार सिविल कोड का और वही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। विभाग ने स्पष्ट रूप से कह दिया और कमेटी भी बताया है, जो सर इतना उम्मीद नहीं था जो 18 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेगा, क्योंकि जब भी फॉर्म आया था ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इस फॉर्म को भरा है, 18 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया है। पोस्ट भी बता दिए, कलर कोड रीडर, स्टेनोग्राफर और प्यून का है, 4 गो इसमें पोस्ट है, इसके लिए इतना फॉर्म भराया गया। तो आयोग रहेगा तो आयोग के पास सारा संसाधन उपलब्ध रहता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, और इसके पास सिर्फ कमेटी है, 4 से 5 लोग हैं कमेटी में, वही उन्हीं के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, इसीलिए इतना विलम्ब हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है। तो दोस्तों जो मीटिंग हुआ था, मीटिंग में निकल के आया था, पहले हम आपको बता दिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लेटर लिखा गया था, लेटर में बताया गया था जो हमें एग्ज़ाम सेंटर अलॉटमेंट करने का ऑप्शन दीजिए। तो दोस्तों पहले बता दीजिए मई में बहुत एग्ज़ाम है, आपको भी पता है 7 मई को नीट का एग्ज़ाम है, 14 मई को बिहार मद निषेज का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 2 डेट दिया गया है बिहार सिविल कोड को, जो आप एक डेट हमें खाली है 21 मई को करवा लीजिए, 21 मई को, और नहीं तो 29 मई को आप करवा लीजिए, 29 मई को करवा लीजिए। दो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 2 डेट दिया गया है, या तो आप 21 मई को करवा लीजिए एग्ज़ाम, या तो 29 मई को एग्ज़ाम करवा लीजिए। तो दोस्तों संभव नहीं है, आपको भी पता है, क्योंकि इसमें 4 पोस्ट में, हाँ एक बात और, बार बार स्टूडेंट कमेंट करके पूछता है सर क्लर्क में टाइपिंग है, तो दोस्तों क्लर्क में टाइपिंग नहीं है, ध्यान से देखिए, स्टेनोग्राफर और कोड रीडर में टाइपिंग है। दूसरी बात सर प्यून में कितना एग्जाम होगा, तो दोस्तों प्यून में 8 लाख टोटल फॉर्म भराया गया है, और विभाग पहले ही बोल दिया है जो फॉर्म अधिक भराएगा तो फर्टिलाइजेशन हम करेंगे, 2 एग्ज़ाम उसमें लेंगे, बट अभी एक ही एग्ज़ाम होगा, अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है, हम 2 एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि 2500 ही उसमें फॉर्म आदि है वैकेंसी, और 8 लाख स्टूडेंट भरा है, इसके कम करने के लिए उसमें 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा, बट अभी एक ही एग्ज़ाम है जो नोटिफिकेशन में दिया गया, इस पर पूर्णतः मोहर नहीं लगा है, उसमें 2 एग्ज़ाम होगा। चलिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों स्पष्ट रूप से हम आपको बता दिए हैं क्लर्क में टाइपिंग नहीं है और प्यून में 2 एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, अभी एक ही एग्ज़ाम है, और इस पर फर्टिलाइजेशन का उपयोग होगा, बोले थे अधिक फॉर्म भराया जाएगा तो हम 2 एग्ज़ाम लेंगे, बट अभी एक ही एग्ज़ाम है, इस पर पूर्णतः अभी कमिटी नहीं बोला है जो हम 2 एग्ज़ाम लेंगे। आगे बात कर लेते हैं, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बताया है 2 डेट, तो उसी दिन जिस दिन हम आपको वीडियो बना के दिए थे
जो देख लीजिए आज विभाग की मीटिंग है, ये सब उस मीटिंग में निकल के आया है। तो उसी दिन एक लेटर लिखा गया फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, बोले हैं अगर 21 से पहले अगर आपके पास है खाली तो 21 से पहले दे दीजिए, क्योंकि लेट बहुत हो गया है। 21 से पहले अगर कोई है तो 21 से पहले एग्जाम कंडक्ट करवाने का कोई उपाय कीजिए। तो उसका अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार सिविल कोर्ट के द्वारा, कमेटी के द्वारा यह लेटर लिखा गया और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया गया। अभी तक यह लेटर के जवाब नहीं दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। तो देख लीजिए, क्योंकि दो दिन ही दिया गया है, एक डेट निकल के आती है 21 मई और दूसरा 29 मई, दो डेट निकल के आती है और दो डेट में बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम संभव नहीं है। आपको भी पता है जो स्टेनोग्राफर और कोटेरियर में टाइपिंग भी है, उसके बाद चार पोस्ट का एग्ज़ाम है, अलग अलग पोस्ट का एग्ज़ाम है, क्लर्क में आपका टाइपिंग नहीं है और प्यून में अभी एक ही एग्ज़ाम होगा। दो एग्ज़ाम के लिए इस पर सहमति नहीं हुई है, मोहर नहीं लगी, इसलिए परेशान नहीं होना है। अब बात करते हैं फॉर्म करेक्शन का डेट, पहले हम आपको बता दिए जो 18 लाख फॉर्म है तो फिर से वो सर्वर को ओपन नहीं किया जाएगा। हाँ, और एक बात है यहाँ पे, जो 44,000 स्टूडेंट का जो है, 44,000 जो सूत्रों से पता चला है, 44,000 जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, तो हो सकता है इतनी बड़ी मात्रा में फॉर्म रिजेक्ट हो इस महीना के लास्ट तक, ध्यान समझिए, इस महीना के लास्ट तक हो सकता है फॉर्म करेक्शन का डेट आ जाए, दे, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि हम लोग सोर्सी लगा रहे हैं दो दिन। हम कल भी एक मेल किए हैं विभाग को, बिहार सिविल कोर्ट को एक कल मेल भी किए हैं जो बच्चों के द्वारा इतना फॉर्म रिजेक्ट किया गया है, बड़ी मात्रा में आप पेमेंट भी लिए थे, फॉर्म भरते समय शुल्क भी लिए थे, इसीलिए बहुत बड़ी मात्रा में फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इसलिए एक ऑप्शन विद्यार्थियों को दिया जाए, क्योंकि आपको भी पता है बिहार सिविल कोर्ट में फिर भी नहीं चलता है, इसीलिए हम मेल किए हैं। अब देख लीजिए मेल का क्या रिस्पांस आता है, अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया है। लगातार पिछला एक मेल किए थे आज से 15-20 दिन पहले, तो उसका आया था जवाब। हाँ, जो एक डेट मिलेगा फॉर्म करेक्शन का, और देख लीजिए कल मेल किए हैं उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया, देख लीजिए कब तक जवाब आता है। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बता दिए हैं। मई में आपका एग्ज़ाम होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, मई में दो डेट बताए हैं। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 21 से पहले अगर नहीं मानती है, कोई डेट नहीं देती है, तो पहला एग्ज़ाम आपको 21 मई को ही होगा और दूसरा एग्ज़ाम 29 मई को। अभी वह डेट निर्धारित नहीं किया गया है, अगर उससे पहले अगर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक दो डेट और दे देती है तो अच्छी बात है हम सभी के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए। दोस्तों, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस बार कटअप बहुत हाई होने वाला है। 18 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरा, आपको भी पता है 7200 के आसपास सीट है, इसीलिए कट ऑफ हाई होने वाला है, तैयारी में लगे रहिए। सारी जानकारी इस वीडियो में बता दिए हैं, एक दो दिन में देख लीजिए विभाग को क्या अपडेट निकल के आती है। अभी जो अपडेट निकल के आई हम आपको बता दिए हैं, बार बार इस पर वीडियो नहीं लाते हैं, अलग अलग जो है टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं और आप लोग कहते हैं सर इसका बताइए कब से एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, दो डेट अभी विस्तारित है एग्ज़ाम का, निर्धारित नहीं हुआ है, और मई में हर हाल में आपका एग्ज़ाम होगा बिहार सिविल कोर्ट का, इसलिए तैयारी जोर शोर से कर दीजिए और इस मंथ के लास्ट तक फॉर्म करेक्शन का देख लीजिए। संभावना कम है, आपको भी बताते संभावना कम है, हम लोग मेल किए हैं, हम लोग रिक्वेस्ट ही करेंगे कहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, हो सकता है विभाग कहीं दे। तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग के द्वारा ही मोटिवेशनल मिलता है, तब हम वीडियो बनाते हैं। और आपको भी पता है PhD की क्लासेज हमेशा सही और सटीक जानकारी लेके आती है। तो जो अपडेट निकल के आई है, आई होप कि इस वीडियो में आपको बता दिए होंगे, आप समझ गए होंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हर वीडियो का प्यार दिए उतना इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, फॉर्म करेक्शन का रिगार्डिंग, तो बेहिचक कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। थैंक यू।